सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। हाय गाइस, हेलो गाइस, आई एम सदव। गाइस, आई एम सारा खान। ओके, तो आज क्या स्पेशल है आपकी हमारे अराइव एंटरटेनमेंट की फैमिली के लिए? आज हम लेकर आए हैं हर्ष पेनीवाल की वीडियो। हर्ष पेनीवाल वीडियो तो बहुत अच्छी बनाते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग बनाते हैं, और लेकिन हर्ष पेनीवाल को काफ़ी पसंद भी करते हैं लोग। बिल्कुल, तो क्योंकि इतना हंसाते हैं ना, इतना कॉमेडी होती है, और आजकल की लाइफ में इतनी टेंशन है ना, तो थोड़ा देर हंस भी लो अच्छा है। तो रोने वाली वीडियो आई थिंक थोड़ा छोटी ही बननी चाहिए, कॉमेडी वाली वीडियो थोड़ी लॉन्ग बननी चाहिए ताकि। और सबसे ज़्यादा ना मैम, मतलब हर कोई रोने की एक्टिंग कर लेगा, हर चीज की एक्टिंग, लेकिन हंसाना सबसे बड़ी डिफिकल्ट एक्टिंग। सीरियसली, कॉमेडी जो है बहुत ज्यादा टफ चीज है, और हर्ष बेनीवाल वो बड़ा आसानी से कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें तो गाइस, ये 18 मिनट की वीडियो है और इसमें हम लोग ज्यादा लंबा कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, तो स्टार्ट करते हैं। और हो गया तुम्हारा असाइनमेंट? हो गया? नहीं यार, अभी मैथ्स का पेंडिंग है यार, करना है। दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डैडी, मेरी क्लास में। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। गौरव, कुछ पूछा खाने के लिए आपने? पूछा, कुछ खाया आपने? अरे नहीं नहीं अंकल, इट्स ओके। कुछ खाया नहीं, बताओ। अंकल चाय काफी है। कैसे काफी, बताओ बताओ। योगेश, बात बताओ आप, अब सैलरी लेते हैं सिर्फ चाय पिलाने के लिए लेते हैं? जाओ बच्चे के लिए थोड़ा जूस लेके आओ, स्नैक्स लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ। ग्रेट यार। हाँ जी बच्चे, घर पे कैसे सब? जी सब बढ़िया। मम्मी पापा को नहीं लेके आया? अगली बार पक्का लेके आना, ठीक है? चलो गौरव, आप जाओ अंदर रूम में बैठो, PS4 खेलो, हैव सम स्पेस, मैं थोड़ा टीवी वगैरह देख रहा हूँ। होमवर्क कर लिया आपने? ठीक, ओके कर लेना, एंजॉय, हैव सम स्पेस। कोई दिक्कत तो नहीं आने में? कमलेश, मेरी बुशर्ट गाय मिल नहीं रही। हाँ जल्दी जाए, वो आ गया, केबल वाला आ गया। अच्छा कहाँ थे आप दो दिन से, केबल कटी हुई हमारी? पापा स्कूल का दोस्त है मेरा, ये केबल वाला। हाँ दोस्त है स्कूल का, केबल वाला नहीं है। ओ, इसकी शक्ल केबल वाले से मिलती है ना, तो मेरे को कंफ्यूजन हो गए। बेटा कोई बूढ़ा बुजुर्ग दिख जाए तुमको ऐसे, है नमस्ते उससे कर लेना चाहिए, उसको कमीज ही नहीं है कोई। पापा पर नमस्ते अंकल जी। वो बेटा बोलने के बाद क्या फायदा है? सॉरी अंकल। वो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, पहले मर्डर करो फिर सॉरी बोल दो, वेरी नाइस। हाय। ए ए, तू क्या कर रही है यहाँ पे? चल अंदर, कहीं भी आ जाएगी निकर पहन के, अगली बार से दिखे निकर में टांग काट दूंगा तेरी। और तू तेरे दिख नहीं, तेरी घर में बहन जवान हो रही है, तू ले आता अपने दोस्तों को मुंह उठा के। कैसी बात कर रहे हो, एम्बैरेस कर रहे हो यार आप मुझे। वाह वाह बेटा वाह, अब हम तेरे को एम्बैरेस कर रहे हैं, एम्बैरेस कर रहे हैं। हेलो राजू, नहीं आज मैं दुकान पे नहीं आ रहा। हाँ मैं यहीं पे ग्राहक देख रहा हूँ, दो ग्राहक आए हुए मेरे सामने। ठीक है ठीक है, नहीं अब हम तुमको एम्बेरस करने लगे हैं। बेटा एक बात बताओ, आपके ही माँ बाप होंगे, आप ही एम्बेरस हो तुमने माँ बाप से है? अब आप बताओ, होते हैं एम्बेरस आप? ये मेरा लड़का है, ये मेरे को आज कह रहा है मैं एम्बेरस हो रहा हूँ, बताओ ये कोई बात होती है? इसकी सारी फरमाइश हमने पूरी करी एक से एक, इसको हमने नोकिया का 33-10 दिलाया, इसने मुझे का फोन चाहिए, बताओ ये कोई बात होती है? हम अपने पेट काट के खाते बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ आ रही है? भगवान मूवी सही कहती थी, आई मिस यू अमिताभ बच्चन, आई मिस यू। भाई और पापा की बातों का माइंड मत करो प्लीज। अबे छोड़ना, हर किसी की फैमिली मत करो। अब तू रूम बंद करने लगा है, अब तेरे को पर्सनल स्पेस चाहिए। मैंने तो बोला ही नहीं पापा मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए। बेटा अब तक तो नहीं बोला था, पर अब जरूर तेरे को पर्सनल स्पेस दूंगा मैं। हाँ जी बेटा, आप किसका वेट कर रहे हो? दूं गुरुजी का प्यार दूं? है? ना। ले ले। हम जाते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? एक नंबर के साकी भाई बाल काटते हैं। बहुत पहले से उनसे बाल कटवाता रहो, ठीक है? घबराना मत, ठीक है? अरे साकी भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ यार, बढ़िया।
ये मेरा बेटा पूरब है, पूरब ही साकी भाई। हेलो। एक नंबर के बाल काटते, बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट है ना, हमेशा से इनसे कटवाता आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को याद है बाल कटवा रहे, मैंने कहा चलो साकी भाई के पास लेके चलते हैं। कौन सा यार था, कौन से वाले बाल? नहीं वो परमेश शर्मा। वो परमेश शर्मा, हमको तो पता नहीं, हम बूढ़े हुए हैं, बच्चों को ज्यादा आइडिया रहता है। भैया को बता दियो कैसे ऊपर नीचे से जो तू कह रहा था ना मेरे को, साकी भाई बाल काट देना इसके सही से, और वो मेरे को थोड़ा ब्लीच करवाना था। तो आप वेट करो 5-10 मिनट, ठीक है, इसका मतलब मेरे को बुला लेना फिर, ठीक है साकी भाई, ओके चलो। जिसपे आप अपनी वीडियो बना के डालोगे, अगर वो वीडियो लोगों को पसंद आएगी तो वो हमें देते हैं गिफ्ट, जिन्हें हम कहते हैं वीवी, क्या कहते हैं वीवी, उन वीवी को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख कितने सारे लोग कमारे इसमें देख रहा है, क्या बात, अभी डाउनलोड करता हूँ ये ऐप, अपने टाइम की वीडियो बनाऊंगा वीमेट पर। जल्दी आठ पर्सन इसके यहाँ से कर दी छोटे, यहाँ से कर दी और छोटे, पीछे से कर दी स्लो कटिंग, यहाँ रख के कटोरे यू घुमा दिए पूरा, एक नंबर बाल काट दे मेरे से, कैसे मेरे से, अब तो टेंशन फ्री हो जाएंगे भाई, चल काट दे। आओ कुछ बात करनी है आपसे, आओ। दिष्टा कब तक चलेगा ऐसा है? डिस्टर्ब, मैंने आपको इतनी बार बोला डॉक्टर के जाओ, क्या लापरवाही है? आप प्लीज धीरे आवाज में बात करो। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, देखो ना बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके सामने हम लड़ रहे हैं, उसकी एज सेंसिटिव है, क्या असर पड़ेगा उस पे? डैडी मम्मी आप लड़ रहे हो? अरे नहीं बच्चे, हम क्यों लड़ेंगे यहाँ, पक्का ना? अरे हाँ बेबी, आपकी फैमिली बेटा, आ जाओ आ जाओ, कौन कौन, आओ आगे करो, एमपी भी होता है आसान, हम क्यों लड़ेंगे बच्चे? मम्मी मेरे से एक ग्लास टूट गई गलती से। हाँ ग्लास को तेरा बाप दारू पी के वो ग्लास तोड़े, और अब तू ग्लास तोड़े, बिल्कुल अपने बाप पे गए तू। किसे कह रही है, किसे कह रही है, किसे कह रही है? ओ पूरब बोल दे अपनी माँ को, इसके बाप के पैसों ग्लास नहीं है, तेरे बाप के पैसों ग्लास है, मैं उसे तोड़ू मोड़ू उसके अंदर बैठ के हगू मूतू, ये कुछ नहीं कह सकती, समझ आ रही है इसको? बोल दे अपने बाप को, मेरे बाप पे ना जाए, नहीं तो उसके बाप को ना गायब कर दूंगी मैं। पूरब बोल दे अपनी माँ को, मुझसे कम बकवास करे, काट दूंगा, अगली मिनट ही मेरे प्लेट में होगी 3 की शक्ल की। बोल दे अपने बाप को, मेरे भाई ना जिंदा बैठे हैं, हाथ तो लगा के दिखा, हाथ पे रख देंगे। पूरब बोल दे अपनी माँ को, के बोल दे के अपने भाई को, मेरे घर की तरफ मुड़ के भी देखा ना, दोनों भाई को जान से मार दूंगा, माँ मैंने कर दूंगा, दो मिनट माँ मैंने। पूरब अपने बाप को बोल दे, जो मेरे भाइयों के बारे में बोल रहा है ना, मैं तो नहीं बोलती इसकी बहनों के बारे में, जो मेरे घर में आती है, मेरे कंगन चुराती है, मेरी चम्मच चुराती है, छोटी कहीं की। पूरब बोल दे अपनी माँ को कि मेरी बहनों के बारे में फालतू ना बोले, पूरे मोहल्ले मेरी बेइज्जती करवा रही है, खुद तो बदनाम है कालू चोर की लड़की। ओए हेलो, जाके खुद को देख मैं शेरी बेवड़े, खुद का बच्चा तूने बिगाड़ रखा है, कोई इज्जत भी करता है तेरी यहाँ पे? माँ क्यों लड़ रही हो, पूरा गीता कॉलोनी इकट्ठा करवा दिया तुमने, अंदर चलो पापा, अंदर आओ मम्मी, अंदर चलो। तू चुप है, तेरे चक्कर में तेरी बाप और मेरी लड़ाई हो रही है आज, अंदर करवा रखी है। भाई साहब आप एक बात बताओ, ऐसी औरतों को बेल्ट से नहीं मारना चाहिए? पागल वागल हो गया, देखा ये भी कह रहे बेल्ट से मारना चाहिए, वो भी मोटे बक्कल वाली, सीधा दांतों में मारो तेरे, आज हेड़ू मलगी औरत। बहन जी अब आप ही बताओ ये कोई बात है, पूरे दिन तो शराब पी के बैठे रहते हैं, पैसा कोई हिसाब नहीं इस आदमी को, आप ही बताओ मैं क्या करूं? हम तो कुछ करते नहीं है, हम तो ऐसे बैठे खाली है, कुछ करते नहीं हम। शराबी तुरंत निकल जा यहां से। ओए चल तू निकल, हिंदू धारा सिंह की शक्ल की, हट हट चल। फाइटिंग बैक उरव, उरव, बच्चे बच्चे क्या हुआ है बच्चे? पापा वो बल्ला अंकल की लड़की ने बहुत मारा मुझे। इस बल्ला की तो आओ रिएक्शन लेंगे। डैडी
उसके पापा यहाँ के एमएलए हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है एमएलए हो, सीएलए हो, जीएलए हो, मेरे बेटे पे उंगली उठाई है, मैं उसमें पता नहीं क्या क्या उठा दूंगा। हेलो सुनील, मेरे को इंडिया का बेस्ट लॉयर चाहिए। अरे मेरे बेटे पे हाथ उठा यार, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं। ठीक है आओ कोई लीगल एक्शन लेंगे, बल्ला का जी बल्ला बनाऊंगा। चलो बागवान पिक्चर देखने के बाद बाप ने बच्चे को जान से मारा, वेरी नाइस। क्या हुआ है वो बताएगा, क्या हुआ है? मारा मुझे। किसने? नाम नहीं पता, साले की शक्ल याद है मुझे। सर पता है? हाँ पता। कमलेश जल्दी मेरी शर्ट दे, मेरे बच्चे को जिसने हाथ लगाया मैं उसकी माँ बहने कर दूंगा। तू बता नहीं सकता था बल्ला से लड़ाई हुई तेरी, बल्ला जी बल्ला जी से लड़ाई हुई तेरी है। आप तो कह रहे थे इसकी गांड तोड़ोगे। मैं कह रहा था बल्ला जी गांड तोड़ देंगे तेरी, बहुत जोर की गांड तोड़ते हैं तेरी भी टूट गई मेरी, ठीक है? और वो तो तू किस्मत वाला है, बल्ला जी के बेटे से तेरी लड़ाई हुई है। दूर दूर से लोग पिटने आते हैं बल्ला जी के बेटे से, आ रही है खुश नसीब है तू। भाई साहब मारो, मैं तो कह रहा हूँ उसको, ऐसी चीज तो बनी मारने के लिए। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ इसके थप्पड़ मारो, इसके जूते मारो, इसके मुक्के मारो, इसकी गांड मारो। मैं तो कह रहा हूँ गुली जाते हुए डेढ़ से मेरे हाथ खड़े, भाई साहब मारो। मेरा बच्चा है नहीं, मैं तो पहले नहीं किया, तो मैं ही खिलाया था चावड़ी बाजार से। मारो से मारो। ऐसा भी होता है बच्चे, क्या है ना, जब बाप के जूते में बच्चे का पैर फिट हो जाता है तो बाप और बेटा दोस्त बन जाते हैं। तो आज से मैं और आप फ्रेंड्स हैं, तो आपको कुछ भी फील हो, कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी मेरे को बताना हो, आप मेरे को आओ, मेरे को बताओ, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करूँगा। यू नो व्हाट, बिकॉज ये सारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी ये रिलेशनशिप है सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी एवरीथिंग, तुम्हारा डैड परमानेंट है। तो आप कुछ भी मुझे बताना हो आप मुझे बताओ। आज मैंने आपके बैग में माचिस देखी, आप स्मोक करते हो? नहीं डैड। बच्चे मैंने आपको बोला ना मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको खुल के एक बार मुझे ऐसा फ्रेंड सब कुछ बताओ। नहीं डैड, वो राहुल ने गलती से रख दी होगी मेरे बैग में। मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम फ्रेंड्स हैं यार अब तो। डैड वो कभी कभार जस्ट माउथ रेपिंग, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चे, इट्स वेरी नाइस आपने मुझसे शेयर किया, बता आपको बहुत अच्छी बात है। आप ये सिगरेट अल्कोहल ये ओकेजनली कोई हार्म नहीं करती, और आपको पीनी आप मेरे साथ पियो, डैडी भी तो पीते हैं ना, आपको पीनी आप मेरे साथ पियो, क्या दिक्कत होगी बच्चे? लव यू डैड। चुचो मेरे बच्चे, लव यू टू। क्या बात है, ग्रेट। हियर वी गो। सी और बिठाओ बेटे, वी टॉक टू नीड, we need to talk। वही बेटा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो वो बाप और बेटा नहीं रहते, माँ बेटी बन जाते हैं। और नहीं यार, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, सुने फ्रेंड्स, मैं तो कह रहा हूँ फ्रेंड्स से भी ज्यादा बन जाते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन जाते हैं। तो आज से तू और मैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट, बढ़िया वाले बेनिफिट वाले, ठीक है? तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी बात बतानी हो, कुछ कन्फेस करना हो, गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, सिगरेट से रिलेटेड, सुन रहा है ना, सिगरेट से रिलेटेड कुछ भी बताना हो मुझे बता, सिगरेट से रिलेटेड। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। देख तू भूल रहा है मैं तेरा फ्रेंड्स विद बेनिफिट हूँ, ऐसे करेगा अपने दोस्त के साथ है? हाँ। तेरा यार हूँ मैं, बता मुझे बता बता मुझे बता। नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बेटा, कभी कभी तो पीता हुआ है, एक दो कष्ट मार ही लेता हुआ, इसमें क्या है? अरे नहीं पापा, कभी कभी तो पी लेता होगा, मेरे से झूठ, अब दोस्त से झूठ बोल रहा है, मान लेता हूँ मेरे दोस्त, मैं चटका लेता हूँ एक दो कश, बाल मोर है कभी कभी एक दो कश, मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, बताओ बताओ पापा, बाल मोरो वो भी कभी कभार, सिर्फ कब क्या किया ये? गिरा देना बेड पे। अरे तो क्या हो गया, बच्चा है, बच्चे से नहीं गिरा तो किससे गिरेगा?
देखो बेडशीट गंदी कर दी है इसने। तो क्या हो गया, अगर आपसे गिरते आप खुद को कैसे काटते? बेडशीट नहीं आ जाएगी, हमारा एक ही बच्चा ये थोड़ी नहीं आएगा। खाना खाओ, गिरना गिरो, ठीक है? एंजॉय बेड पे मत खाइयो, गिर जाएगा। ठीक है ना पापा, नहीं गिरा रहा यार। एक ही चीज लगा रखी है, बागवान देख लो 10-10 बार और बच्चों की। बागवान देख लो 10-10 बार, बच्चों की ले लो। बेड पे खाएगा तो नीचे अखबार बिछा लियो। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहा है पापा? बस लेटा हुआ था। खाना खाए? खाना खाना पेट में, तो ये लैपटॉप पे भी लेटा है। कुछ नहीं पापा, ऐसे ही खाना पच जाएगा जल्दी, इसलिए टूट नहीं है शायद। टूट क्या? नहीं पापा, ये डिजाइन है, ये लेटेस्ट डिजाइन है इसका। अच्छा, पानी लेके आए एक ग्लास। ओ नो, ओ माय, ओले 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 मेरा बेटा। आराम जाए। गाड़ी में बैठती सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डैडी गाड़ी ऑन करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? बड़ा सबसे पहले आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। मैं तो कहूंगा बेटा आपको गाड़ी में बैठने से पहले सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ठीक है? यू नो व्हाई? चलान कट जाएगा हमारा। बड़ा चलान इज सेकेंडरी, आपकी सेफ्टी इज प्राइमरी। आपको कुछ नहीं होना चाहिए, गाड़ी को कुछ हो चलेगा, बट मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? बेटा मेक श्योर जाओ राइट साइड जाओ राइट का इंडिकेटर दो, लेफ्ट साइड जाओ तो लेफ्ट का इंडिकेटर दो, बिकॉज रोड पे जो बाकी लोग हैं उनको इजी रहे, ठीक है बेटा? चलो मेक श्योर बच्चे आपको ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है, समझ आई आपको? अगर आप ड्रिंक करो तो अपने दोस्त को देना, वो चलाएगा, ठीक है बेटा? डैड आई एम नर्वस। बच्चे क्यों नर्वस हो रहे हो? गाड़ी है, क्या होगा, ज्यादा ठुक जाएगी? मैं तो बहुत ठुकता था अपनी बारे में। अच्छा गाड़ी बहुत ठोकता था, क्या समझ रहे हो? चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी धीरे चलाओ, अरे मर जाएगा, धीरे चला गाड़ी। अपन गाड़ी स्टार्ट कर लूं पहले? पागल है तुम, तूने स्टार्ट भी नहीं करी अभी तक, लेट हो रहा है, तेरे को ऑफिस निकल, जल्दी कर। मुझे लेगा अपनी बाप को गाड़ी सिखाने के लिए, और बेल्ट पहन हरामजादे। हां पापा पता है सेफ्टी के लिए जरूरी है। सेफ्टी का ऐसे ही कराने, चालान हो गया ना तेरा, और मेरे को फोन आया घर पे कि तूने चालान करवाया, तेरी ऐसी तैसी कर देंगे मैंने। चल 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 दबा, किसान को खोदना और अपने बाप को। वैसी बहुत गाली देने लग गया वीडियो में, लोग भी कहते हैं कि बहुत गाली देने लग गया आदमी। अच्छा अब इनको मेरी गाली ज्यादा लग रही है, जैसे खुद तो देते नहीं है भाई, नहीं देता तुम गाली। ओए राम का चला, आज तू ठोकेगा, आज ठोकेगा भाई। हे भगवान, मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ भाई साहब, सॉरी भाई साहब, मेरी गलती है, मेरा बच्चा चूतिया बेटा, मेरी मेरी गलती, सॉरी भाई साहब। हाथ दे जहाँ पे जाते हाथ दे, जल्दी हाथ, अरे बाहर हाथ दे वरना मैं तेरे अंदर हाथ दे दूंगा। मेरी बात सुन ध्यान से, तेरे पूरी लाइफ में ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करनी, न दारू पी की गाड़ी चलानी, न पानी पी की गाड़ी चलानी, ओनली ड्राइव, नो ड्रिंक एंड ड्राइव, समझ आई? बहुत हानिकारक हुआ सेहत के लिए और रुकी, समझ आ रही है? ओए बच्चा, ओए स्पीड ब्रेकर, ओए देख के गिर जाएगा, धीरे चला गिर जाएगा, मेरा पैर गिर जाएगा। ओए 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 आईज ऑन रोड, ओ देख के चला, 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 पसंद आई तो
पता है ना आपको क्या करना है, बिल्कुल सही, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, नहीं जाना चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस वीमेट ऐप को अभी डाउनलोड करो, बहुत अमेजिंग ऐप है। अगर आप मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो, अपनी वीडियो शूट करो और बहुत सारा पैसा कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मी एंड गाइस मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लाइक करो, करो कुछ भी, बच्चों को समझ में आता भी है यार, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि तुम्हें नाक कटा दी, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है यार। सेकंड टाइप वाले ज्यादा अच्छे लगे हैं क्योंकि वो जो कामली अपने बच्चों को समझाते हैं ना, वो तो ऐसे ही रह जाते हैं, बच्चे जो पिटते हैं अच्छे से वो आगे बढ़ते हैं। वो भी ठीक है यार, दोनों चीजें यूज करनी चाहिए, ज्यादा तो दो डाला लास्ट में तो यार। मतलब कितना एंटरटेनिंग होता है ना, लोगों के वर्ड्स कैसे माँ बाप मारते हैं, और इसमें जो दिखाते हैं ना यार, बिल्कुल रियल लाइफ दिखाते हैं। ये जो स्टोरी बनाते हैं ना, हम लोग सोचते हैं ना कि स्टोरी कैसे बनेगी, सही है ना मैम, सही है पूरा, मतलब जो रियल होता है ना हम लोग के साथ, हमारी जो लाइफ है उसमें सेम ऐसी होता है। नहीं अगर हम किसी मोहल्ले में जाएंगे वहाँ पे ऐसे ही पूरा कल्चर होता है, बिल्कुल। अरे कल्चर कोई कितनी भी हाई सोसाइटी हो, कुछ भी हो, पेरेंट्स वैसे ही होते हैं। बट थोड़ा सा क्या होता है ना, यू नो जब अच्छे अच्छे एरिया में होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या थोड़े से ज्यादा मतलब रिच फैमिली से होते हैं, तो वो समझाते ऐसे बेटा यू नो तुम्हें ना ऐसे नहीं करना चाहिए, उधर जाना चाहिए, फ्रेंड अच्छे बनाने चाहिए। और जो थोड़े हम जैसे होते हैं मिडिल, वो ऐसे कहते हैं देख के फ्रेंड बनाएगा तेरा ध्यान से, ठीक है, वो तेरे लायक नहीं है, वही नाक कटाएगी तू। रियल तो यही है। लेकिन मजा ना थोड़ा सा यू नो नीचे आकर ही, हाँ वो तो है यार, सिंपल सी लाइफ। वो एक बीच में टिकटॉक में सॉन्ग चला था ना सतर, हाँ। कि मतलब अमीरों का डांस आपको, हमारे रिएक्शन जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, आप सदा कुछ कहना चाह रही है। बस मैं यही कहूंगी कि हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए, जितना शेयर कर सकते करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब ऑलवेज करिए, नए हैं तो भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ अगर सजेस्ट करना है, हम कुछ गलती कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही आगे अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना यार, बहुत एंटरटेनिंग वीडियो है, सीरियसली बिल्कुल। जैसे जैसे वीडियो स्टार्ट होता है, वैसे जैसे जैसे बढ़ रहा था ना वीडियो, वैसे ही एंटरटेनिंग होता है, बोर नहीं लग रहा था, लगा नहीं कि इतनी लंबी वीडियो कैसे कट गई, बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम दोनों आपके लिए खास, तब तक के लिए देखते रहिए।